अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं संडे की रात में ही इस ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी और आगे भी आप पूरा ब्लॉग देखना ज़रूर। दूसरे दिन सुबह से मैंने शुरुआत की थी तो शाम तक पूरा डेली रूटीन बताई हूँ अपना। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और करने वाले हैं। सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि यहाँ तक मुझे पहुँचा दिए। आगे भी मैं कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह, बस वॉच टाइम पूरा हो जाए। सब्सक्राइब तो 1K पूरे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ही रश था और ट्रैफिक भी जाम हो रहा था। बच्चों ने बोले कि हमको बादाम शेक भी पीना है और चॉकलेट शेक पीना है, तो यहाँ पर चॉकलेट शेक अच्छा था तो हमने वही ले लिया। आगे आप देख सकते हो हम लोग बस पहुँचने वाले थे। और ये थी, ये इस शॉप पे मैं पहली बार आई हूँ। बहुत हर टाइम मैं पानी पूरी खाने के लिए आती हूँ, देखती थी, फिर आज यहाँ का ही हमने सोचे प्लान बनाए कि यहाँ चलते हैं, यहाँ का टेस्ट देखते हैं कैसा है। मुझे पूरे अपने 40 गांव में यहाँ का अच्छा लगता है टेस्ट आइसक्रीम का। मुझे यही की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, काजू आइसक्रीम। तो हमने बहुत इन्जॉय किए और यहाँ से दवाई लेनी थी तो यहाँ पर भी रुक गए। और ये देख सकते हो आप, ये मस्जिद है और बस यहाँ से निकलते हैं। फिर अभी हसनैन अचानक से यहाँ गिर गया था पलटते ही, उसको समझ में नहीं आया गाड़ी से उतरते तो बच्चा मेरा लग गया था उसको। और ये देखिए, दूध भी ले लिए। फिर दूसरा दिन सुबह हमारी मॉर्निंग हो गई थी 11 बजे के टाइम पर। मैंने पूरा घर धोने के लिए ले ली। रोड का है, बहुत धूल मिट्टी आती है यहाँ पर, तो एक दिन आर तो मुझे पूरा घर धोना ही पड़ता है। और उससे अच्छा भी हो रहता है, साफ़ सफाई भी हो जाती है अपने घर की। और ये देखिए, पूरे पानी डाल के मैंने, दो रूम है ये, पीछे से पूरा पानी डाल के निकाली हुई से, फिर आगे से, फिर बहुत ही चमकने लगा था मेरा घर माशाल्लाह। है भाड़े का लेकिन अपना ही समझ के रहना पड़ता है, तब तक रहते हैं। फिर मैंने इनको चाय पराठा बना के दे दी तो इनकी शुरुआत हो गई थी नाश्ता करने की। फिर ये नाश्ता कर लिए बच्चों ने, स्कूल की तैयारी करनी थी इन्हें। बहुत लेट उठते हैं लेकिन आज जल्दी उठ गए और नाश्ता भी हो गया टाइम पे, तैयार भी हो गए दोनों भी स्कूल के लिए। और ये जाने लगे, फिर इनके अब्बू इनको छोड़ने जा रहे थे। डेली मुझे ही जाना पड़ता है
ये काम पर रहे तो आज छुट्टी थी तो फिर इन्होंने सोचा मैं ही छोड़कर आता हूँ। तो आप देखिए आगे। तो मैंने दाल गोश बना ली थी और इसमें ये मसाला डाले तो बहुत अच्छी बनती है शादियों वाले दाल गोश। और आप देख सकते हो कितना अच्छे से बन गई थी, ये तैयार हो गई थी। फिर बच्चों को मुजाहिद लाने के लिए गए स्कूल। मैं बहुत लेट हो गई थी खाना बनाने के चक्कर में, तो चावल देर से बने मेरे, बहुत ज़्यादा 2 बज गए थे। उनका खाने का टाइम हो जाता है तो उनको लेकर आ गए वो स्कूल से जाकर। फिर मुझे ही जाना पड़ता है डेली डब्बा लेकर उनका खाने का। 2 बजे जाती हूँ, 2:30 बजे आती हूँ, लेकिन इनकी छुट्टी रही तो फिर ये बच्चों को घर लेकर आ गए। और नज़दीक ही था घर, तो फिर मैंने सोची जाने आने में तो इतना टाइम पास हो जाएगा, उनको ही लेकर आते हैं घर। तो ये अपने अब्बू के हाथों से ही खाना खाता है हुनैन, और हसनैन को मैं खिलाती हूँ। लेकिन आज वो बोला मैं खा लूँगा अम्मी, तुम बैठो। फिर पहले उनका कर दिए हमने, उनको खिला पिला के स्कूल भेज दिए। फिर वहाँ से आने के बाद हम दोनों ने हमारे खाने की शुरुआत की। तो ये देखो ये जा रहे हैं दोनों भी स्कूल, फिर वहाँ से छोड़कर उन्हें आके फिर साथ में हम दोनों ने बैठ के खाए। फिर खाना बिना खा के हम दोनों ने आराम किए। फिर बच्चे आ ही गए, 5 बज गए थे, फिर उनकी छुट्टी भी होने वाली थी। ये देखो दोनों घर आ गए थे। शाम की चाय बन गई है और ये तैयार है पीने के लिए। आइए सब पीने के लिए चाय शाम की। फिर उन्हें मैं चाय भी पिला के बच्चों को, इनको बहुत ही हंसी आ रही थी कि आज बिना बोले आपने चाय बना दिए। तो हम पूरी फैमिली एक साथ चाय पीने के लिए बैठ गए थे माशाल्लाह। और फिर इन्हें मैं अरबी के लिए लेकर गई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना। अल्लाह हाफिज़।